ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दूसरा बोला यो विश्वात्मा विदित विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमपि विभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानगेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नः स्तुरीयः। शांति नामक चतुर्थ प्रकरण अभी श्रोत्रांति वैभाषिक मत भारी वस्तु के अस्तित्व है इस प्रकार मानने वाले बुद्ध की कोशिश और यह भारी वस्तु के अस्तित्व नहीं है केवल मात्र बुद्धि में बैठा हुआ इस प्रकार विज्ञानवादी बोध जिसको माध्यम दिन में बोलते हैं कि लोग तो उन पूर्ण लोगों को लेकर के विचार हो गए उन लोग आपस में डर गए हैं योगाचार्य तो यहाँ पे जो है कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे उसने क्या कहा श्लोक में कि उसने बोला देखो तुमने जो बाहरी वस्तु को निमित्त मान तो विज्ञान में भिन्नता को उत्पन्न करने के लिए वास्तविक विज्ञान में कोई भिन्नता होता ही नहीं वो भौतिक स्थिति में है और वो भौतिक तक पहुँचा इसीलिए जो है विज्ञान के सिद्धांत पहुँचा इसलिए वहाँ लोग मानते हैं इसलिए बाहरी वस्तु के निमित्त के कारण फिर संदेश उपलब्धि होने के कारण बाहरी वस्तु है ऐसा मानना चाहिए। ये तुमने कहा था तो बोलते देखो यदि तुम ठीक ठीक देखना सीखोगे तब तुमको पता लगेगा कि वहाँ पे अनेक वस्तु नहीं है वहाँ पे एक ही वस्तु है। यदि तुम ठीक ठीक देखना सीखोगे तो क्या होगा अनेक वस्तु नहीं दिखेगा एक दिखेगा। बोलते निमित्त से अनिमित्तम इष्यते भूत दर्शना है ना वो अनिमित्त हो जाएगा जो तुम ठीक से उसको देख सकते हो। सेकेंड बोला अभूत दर्शना तुमको जो निमित्त लग रहा है वो वास्तविक निमित्त नहीं है क्योंकि तुमको ठीक से नहीं दिखाई देगा इसलिए तुमको वहाँ पे भिन्नता की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पे देखिए तरह इस पंक्ति को पढ़ लिया थे एतेन भस्म लास्ट है एतेन पेज 226 एतेन द्वयदर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च एतेन द्वयदर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रत्युक्त भाष्यकार जो बोला इतना कथन के द्वारा हमने आपके अगर मतलब यदि आप ठीक से देखना सीखोगे तब क्या हो जाएगा कि जो बाहरी वस्तु के निमित्त हमें दुख होता है अतः बाहरी वस्तु के निमित्त विषय पारमार्थिक भेद है ये आपका चला जाएगा ये चला जाएगा। तो इसको देखिए आनंद गिरि जी लिखते हैं बाह्यार्थ समर्थन अर्थम उक्तम अर्थापत्तिर्द्वयम् कथम निरसनीयम् इति आशंका पूर्ववादी बोलते हैं बाह्यार्थ समर्थनार्थम बाहरी विषय है इसको समर्थन करने के लिए है ना उक्तम अर्थापत्तिर्द्वयम् हमने दो अर्थापत्ति प्रमाण दिया था कक्षा में बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्र्यम् अनुपन्नम् बाह्यार्थम बिना संक्लेश उपलब्धि अनुपन्नम् ये जो अर्थापत्ति प्रमाण हमने दिया था बाह्यार्थ समर्थनार्थम उक्तम अर्थापत्ति कथम निरसनीयम उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है तब बोलते यदि आशंका ऐसा पूर्ववादी मतलब बाह्य अस्तित्ववाद जब शंका करते हैं तो उसका हमने जितना समझा दिया मतलब क्या समझाए तुमने ठीक से देखना सीखो तुम ठीक से देखना सीखो ना तुम्हें ज्ञान में भिन्नता दिखाई देगा और ना तुम्हें जो संकेत सबको दिखाई दे रहा है वो आत्मा में नहीं है वो शरीर में है आप उसका दृष्टा है आपको आप में और वस्तु नहीं है इसलिए
यहाँ पे तुमको तो जब ठीक से देखना सीखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। उसी आनंद के लिए लिख रहे हैं तत्वदर्शिना तत्व में रहने वाले जो था उसको देखना स्वभाव है जिन लोगों का, मतलब हम घर दिखाई दे रहा है, पट दिखाई दे रहा है, मठ दिखाई दे, उसका जो पारमार्थिक भाव है उसको देखना स्वभाव हो गया जिन लोगों का शील है। इसका जो तत्वदर्शिना स्फुरण अतिरिक्त वस्तु अनुपलब्ध प्रदर्शन है उनके पास विस्फुरण, मतलब यहाँ से विज्ञान बोलेंगे, विज्ञान से भिन्न करके वस्तु के अनुपलब्ध मतलब वस्तु की उपलब्धि होती नहीं है, इसको दिखाने के माध्यम से मतलब भेद पारमार्थिक नहीं है, तत्वदर्शी के लिए एक अभिन्न वस्तु शब्द है, उनके उनके शब्द में विज्ञान बोलते हैं स्फुरण बोला। प्रदर्शन है ना वैचित्र दर्शन, ज्ञान में जो विचित्रता दिखाई पड़ता है भिन्नता दिखाई पड़ता है एक और दुख उपलब्धि है ना, वैचित्र ज्ञान में जो भिन्नता दिखाई दे रहा है बाहरी वस्तु का निमित्त आप बोल रहे हो, आप तो ऊपर ऊपर देख करके बोल रहे हो, अंदर जब देखना सीखोगे तब देखो वहाँ पर दो वस्तु नहीं है एक ही है। इसे बोलते हैं वैचित्र दर्शन दुख उपलब्धि है ना, दो दो हम नहीं तो दिए थे ज्ञान की विचित्र, तो बाहरी वस्तु के बिना ज्ञान में विचित्रता नहीं हो सकता है, बाहरी वस्तु के बिना बाहरी वस्तु से दुख सुख का उपलब्धि नहीं हो सकता है, ये जो आपने कहा था इसका उत्तर यही है कि तुमने अभी तक ठीक से देखना नहीं सीखा, तुमने अब तक ठीक से देखना नहीं सीखा, इसलिए दुख प्रति प्रदुखता इसका उत्तर हो जाता है। वहाँ पर कोई पंक्चुएशन है कौमा जी, वहाँ पर एक तो कौमा ही लगा है, हमारे पुराने पुस्तक में यहाँ पे पूर्ण विराम है प्रयुक्ता का बात प्रदुखता उसके उत्थान मतलब वो विरोध है नहीं, छह नंबर टिप्पणी में देखिए तेन स्फुरण अतिरिक्त वस्तु न वस्तु तो अभाव नहीं दिया, ये हमारे उत्तर ठीक है ना, विज्ञान से भिन्न करके कोई भी वस्तु का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है, प्रतिभाषिक अथवा व्यवहारिक अस्तित्व मानते हैं पारमार्थिक जो होते हैं स्फुरण अतिरिक्त स्फुरण मतलब विज्ञान की बुद्धि उससे भिन्न करके वस्तु न वस्तु का वस्तु तो पारमार्थिक विषय से अभाव नहीं हो गया, तीनों शब्द का तीनों अभाव होने के कारण क्या पूर्व भ्रम समारोपित स्वप्नवत एव संवेदने वैचित्र्यं दुःखं च व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है व्यवहारिक दृष्टि, कौन उत्तर दे रहे हैं विज्ञानवादी बौद्ध किसको उत्तर दे रहे हैं उत्तर दे रहे, वो क्या बोलते हैं व्यवहार दृष्टा की व्यवहारिक दृष्टि से तो पूर्व भ्रम समारोपित पहले जो भ्रांति हुई थी वो जो भ्रांति से संभव रूप से आरोप कर गया था संस्कार आ गया स्वप्नवत एवं जिसे सपने में वस्तु दिखाई पड़ते हैं है ना, उसके कारण से संवेदन वैचित्र मतलब ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ते हैं, दुखम च दुख भी व्यवहार व्यवहार की अनुभव पारमार्थिक नहीं है, यदि इस प्रकार से अन्यथा अपनी उपपत्ति आपका जो है व्यवहारिक दृष्टि से ये युक्ति संगत हो जाता है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं होने पर भी व्यवहारिक दृष्टि से ये युक्ति संगत हो जाता है, ये हम मानते हैं ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे कि व्यवहार दृष्टा तो पूर्व भ्रम समारोपित, पूर्व भ्रम कहाँ से आया मतलब पूर्व भ्रम की पूर्व पूर्व भ्रमजन्य संस्कार कल्पित मिति अर्थ, हम जो बाहरी वस्तु दिखाई देते हैं यहाँ पे वेदांत उनको ये विज्ञान बात को बोलेंगे, आप ये बताओ ये भ्रम पहले है कि संस्कार पहले है, कहाँ से आएगा संस्कार भ्रांति के संस्कार कहाँ से आएगा, जन्मांतर में जो आपको भ्रम हुए थे लोग ये वस्तु यहाँ पे नहीं है, ये जो है कोई वस्तु आपने देखा पहले मतलब, इसीलिए वेदांति बाहरी वस्तु को अस्तित्व मानते हैं क्योंकि जिससे संस्कार जाता है वो मानते हैं, हाँ बाहरी वस्तु भी पारमार्थिक नहीं है संस्कार भी पारमार्थिक नहीं है मतलब आत्मा में नहीं है मन बुद्धि तक है,
इसीलिए ये जो तुम जो बोल रहे हो कि पूर्व पूर्व भोजन में संस्कार, वो तो विज्ञान को ही मानता है। तो हम बोलते हैं पूर्व पहले संस्कार है कि पहले भ्रांति है, जैसे बीज अंकुर नहीं, जैसे हम इसको ये नहीं कर पाते, इसको नहीं कर पाते नहीं मांगे। यही जो है यहाँ पे कि व्यवहार दृष्टा भी पूर्व पूर्व समारोपित हो, स्वप्नबद्ध हमें संशोधन करना है आपको, स्वप्नबद्ध एव लिखा स्वप्न देव, वहां पे बीच में बकार डाल दीजिए, स्वप्न बल एव संवेदने वैचित्र, ज्ञान में विचित्रता और दुख और दुख की जो अनुभव व्यवहार अंग हो, व्यवहार के अंग है यदि इस प्रकार से अन्यथा विपत्ति, मतलब व्यापारिक दृष्टि से हमारा वो प्रमाण मतलब अर्थावर्ती प्रमाण को युक्ति संगता मान लेते हैं, इसी अर्थ ही इसका विपरीत अर्थ है। यहाँ पे सात आठ नौ तीन टिप्पणी दिखाई दे, सात नंबर तो क्या बोलते हैं पूर्व पूर्व भ्रमजन्य पूर्व जन्म, ये भ्रम माइक को थोड़ा पीछे कर देंगे, तो थोड़ा सा पीछे पूर्व पूर्व भ्रमजन्य संस्कार कल्पित मित्र है ना, जो पहला कोई भ्रम था उसे संस्कार हुआ, फिर संस्कार से क्या हो जाएगा भ्रम होगा, भ्रम से संस्कार, संस्कार से भ्रमवास, यही चलता रहेगा आपको भी जब तुम की तरह आना बाहरी वस्तु के बिना भी हम संस्कार से भ्रम करते रहते हैं, संस्कार से हम अपना गलती होते हैं, इसलिए बोलते हैं बाहरी विषय को हुए बिना ही इस प्रकार होना संभव है, इस प्रकार स्वप्न में देखते हैं हम लोग, बाहरी वस्तु में है नहीं है तो हम सुख दुख की अनुभूति होती है, इस प्रकार से बाहरी विषय की आवश्यकता नहीं है, संस्कार रूप में विद्यमान रहने पर ही तब जाके वो काम हो, मतलब वो हमारे लिए भ्रांति के रास्ता बन जाता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपने स्वप्न जो देखा वो संस्कार कहाँ से है, जागृत काल, जागृत काल बाहरी वस्तु देखते हैं, संस्कार देखो आप स्वप्न दृष्टा को देखो कर तो जो संस्कार संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे, तब वो तो बाहरी वस्तु चाहिए, फिर उसको संस्कार से भ्रांति देखते रहते हैं, इसीलिए भारी उसकी पूर्ण रूप चाहिए बिना तो उत्तर देने बाद में। अब तो विज्ञानवादी हमारा शोक्रांतिक वैभव बाह्यार्थवाद और विज्ञान इन दोनों को बीच में रहते हैं। अब जो बोल रहे हैं देखिए आगे देखिए ये बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट ये उपखा दे रहे हैं ज्ञान सालोवन प्रसिद्ध तत्व दृष्टा अभावे ज्ञान अपनी न सके आशंका, ठीक है ना, ज्ञान है व्यवहार जगत में क्या दिखाई कोई ना कोई आलम्बन लेकर ज्ञान उत्पन्न होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान बाहर ज्ञान नदी ज्ञान शुद्ध ज्ञान सालम्बनत्व वो कोई ना कोई आलम्बन को लेकर के ज्ञान होता है, प्रसिद्ध है लोग प्रसिद्ध है, केवल नहीं बोलता ज्ञान है, फूल के ज्ञान फल के ज्ञान मिठाई के ज्ञान सब कोई ना कोई वस्तु को लेकर ज्ञान होता है। तो इस प्रकार आप हम वेदांत भी बोलते हैं ये जो आपको फूल फल मिठाई होना रहने देते उसको छोड़ करके एक बार ज्ञान की अवस्था सोचो, ज्ञान की ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान के अनुसार मास्टर दोष हो जाएगा, तो उसी को तो समझना है। ज्ञान से सालम्बनत्व प्रसिद्ध है तत्व दृष्टा पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञेय अभावे है ज्ञान ज्ञेय वस्तु नहीं ज्ञान बिना शब्द ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, ये शंका कर रहे हैं। बाह्यार्थवादी विज्ञानवादी के प्रति कहते हैं कि देखो ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, इसलिए यदि ज्ञेय वस्तु ना है तो अलग अलग प्रकार के ज्ञान भी हम नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, उसे बोलते ज्ञान साल मनत्व प्रसिद्ध तत्व दृष्टा ज्ञेय अभाव ज्ञान अभी नष्ट आशंका, उसको शंका करते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। चित्तं न संस्पृशत्यर्थं चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नाथाभासं तथैव च नाथाभासं तथैव च
अभूतो हि यतश्चार्थो अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थभाषस्तथा चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थभाषं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थो चित्त शब्द से कह लेंगे विज्ञान, विज्ञान है ज्ञान को आत्मा मानते हैं, आत्मा का असंग बोला शास्त्र में, तो वो बोलता है कि आत्मा के विज्ञान की असंगता हम भी मानते हैं, तो असंगता मानेंगे तब क्या हो जाएगा, विषय के साथ विज्ञान का कोई संबंध होता ही नहीं, इसलिए बोलते हैं चित्त मत विज्ञान न संस्पृशति अर्थम, वो विषय को कभी स्पर्श नहीं करता, विषय को कभी स्पर्श दबिकारी हो जाएगा, क्या जब विषय को स्पर्श नहीं करता तो विषय आभास को कैसे स्पर्श करेगा, विषय जिस प्रकार दर्पण में हम चेहरा देखते हैं ना, तो आपका चेहरा दर्पण को स्पर्श करता कि नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं, आपका चेहरा दर्पण को स्पर्श तो प्रतिबिंब दर्पण को स्पर्श करता कि नहीं करता, प्रतिबिंब दर्पण को स्पर्श करता कि नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि यदि प्रतिबिंब दर्शन को स्पर्श करता होता तो शीशा गिर जाने पर प्रतिबिंब टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देता, ऐसा नहीं होता, आपको यदि कहीं दिखाई देगा तो आपको टुकड़ा में पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा, प्रतिबिंब टुकड़ा नहीं, इसीलिए आभास है, तो मतलब यह चित्त न संस्पृशति अर्थम, चित्त कभी भी विषय को स्पर्श ही नहीं करता, चित्त से हमें विज्ञान लेना है, और नार्थ भाषण तथे गज जिस प्रकार अर्थ को नहीं ग्रहण करता है उसी प्रकार अर्थ की आभास, आप बताओ स्वप्न में जो वस्तु हमने देख रहे हैं वो तो अर्थाभास है, विषय आभास है, उसका मन बुद्धि जो है उसका बुद्धि के साथ उसका कोई संबंध होता क्या, कोई संस्पर्श नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र है, नहीं वस्तु का संस्पर्श होगा, इसलिए बता नार्थाभाषण तथे गज क्यों, उसका हेतु दे रहे अभूत ही यतश्चार्थ, क्योंकि जो विषय है ना वो अभूत है, मतलब विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, जब वस्तु विद्यमान नहीं तो वस्तु की आभास की कहना ही क्या है, वो भी तो विद्यमान आभास मात्र है, न अर्थाभास, ये अर्थाभास भी वो विज्ञान से कोई पृथक वस्तु नहीं, यहाँ पे बड़ा सुंदर शब्द है, वो जो विषय की आभास आपको दिखाई कर रहा है, विषय आभास वो विज्ञान नहीं है, विज्ञान से पृथक नहीं है, विज्ञान नहीं करता, विज्ञान ही आभास रूप में प्रतीति हो रहा है, विज्ञान ही विषय आभास रूप में प्रतीति हो रहा है, विज्ञान से पृथक नहीं है, तो उनके सिद्धांत विज्ञान विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं, इस प्रकार से विज्ञान आभास रूप में प्रतीति होता है उसको विषय रूप में जानते हैं, तो यहाँ चित्त मत विज्ञान न संस्पृशति अर्थ उसको होता है स्व अतिरिक्त अर्थ विषय का न भवति, अपने से अतिरिक्त विषय है ठीक है ना, तो इसको विषय रूप में जानते हैं, और यहाँ पे क्या है स्वप्न में अपने बुद्धि जो है विषय रूप में प्रतीत होते, जैसे बुद्धि से भिन्न करके कोई विषय वहां पे है ही नहीं, विज्ञान से भिन्न स्व अतिरिक्त मतलब विज्ञान अतिरिक्त अर्थ विषय का विषय को विषय करने वाला न भवति, विज्ञान से भिन्न करके कोई विषय उसको विज्ञान विषय करेगा ऐसा नहीं होता है, विज्ञान से भिन्न करके कोई विषय जिसको विज्ञान विषय करेगा, जैसे वो पिंड इस दृष्टि से भिन्न है, उस पिंड को ये दृष्टि विषय करता है, ये दृष्टि विषय करता है, तो इस प्रकार से विज्ञान से भिन्न करके कोई वस्तु जिसको विज्ञान विषय करेगा वह है, वह है विज्ञान उस रूप में स्फुरित हो रहा है, विज्ञान ही उस रूप में विषय रूप में स्फुरण हो रहा है उसका, न स्पृशति अर्थ विधि स्व अतिरिक्त अर्थ विषय का न भवति इति अर्थ इसका अभिप्राय करते हैं, फिर बोलते हैं अभूत ही यतश्च अर्थ अभूत इति मतलब परमार्थ का विज्ञान व्यतिरेक न असद रूप इति अर्थ, परमार्थ किसे कहे, विज्ञान से भिन्न प्रकार की कोई वस्तु है ही नहीं वहाँ, जो होते परमार्थ तो विज्ञान व्यतिरिक न असद रूप है इसी अर्थ ये असद रूप है इसका ही अर्थ है, अब देखिए यहाँ पे टीका का अर्थ है मतलब आय का क्या अर्थ करते हैं, चार नंबर टीका चार नंबर तथा पृथक तथा मतलब चित्त शब्द वाच्य विज्ञान पृथक कौन अर्थाभास अर्थाभास विषय आभास दिखाई पड़ता है, विज्ञान से पृथक नहीं है, विज्ञान ही अर्थ विषय रूप में स्फुरित हो रहा है, यदि इस प्रकार हमारी दृष्टि के विषय आपका शरीर पिंड है,
भिन्न दिखाई पड़ता है, पर विज्ञान ही इस विषय रूप में मतलब पिंड रूप में दिखाई पड़े, इसलिए उसमें पृथक नहीं है। इसलिए न अर्थाभाष पृथक मतलब चित्त शब्द वाच्य विज्ञान, यहाँ चित्त शब्द वाला विज्ञान के चित्त शब्द के द्वारा कहा गया जिस विज्ञान को, उस विज्ञान से विषय भिन्न वस्तु नहीं है, विज्ञान ही विषय रूप में स्फुट कर। इस प्रकार स्वप्न में देखो जरा, स्वप्न में आपके मन ही विषय रूप में आपके सामने स्फुट हो रहा है, मन ही उसको ग्रहण करता है, अंतकरण ही विषय रूप में सामने स्फुट हो रहा है और उस अंतकरण उसको ग्रहण करता है, वो संपूर्ण तो सबसे अच्छा देता है। विज्ञानवादी बोल दो, विज्ञानवादी बोल ये बोलते हैं। अच्छा अब टीका में देखिए, न ही स्फुरणम सकर्मकम तस्य सकर्मत्व प्रसिद्धि अभाव। आपने स्फुरण शब्द प्रयोग किया होना बिना स्फुरण मत विज्ञान, स्फुरण मतलब अभिव्यक्त होना, स्फुट धातु स्फी धातु है उसको कहते हैं स्फुट धातु है, स्फुरति स्फुरति मतलब अभिव्यक्त होना है। ये अकर्म क्रिया है, सकर्म क्रिया अकर्म क्रिया जानते हैं, मतलब क्रिया के आश्रय और क्रिया के विषय यदि एक ही जगह पे हो तब वो अकर्म क्रिया, और क्रिया के आश्रय और क्रिया के विषय यदि भिन्न हो तब होगा आपका सकर्म क्रिया। जब आप मतलब भूआदि घर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे फल व्यापार दूसरी जगह पे होता है। इस प्रकार हम सोया व्यक्ति सोने की व्यापार कहाँ पे है, अपने में, तो फल किसको मिल रहे हैं अपने को, इसलिए स्वयं शायन धातु अकर्म कर दिया है। किंतु पचेती पकाने की क्रिया कहाँ पे होता है, पाचक में, और परंतु पकतक होने चावल आदि बनता है ना। तो इसी प्रकार से जो क्रिया के आश्रय और क्रिया के विषय यदि अलग अलग हो तब जाकर के वो सकर्म क्रिया होता है, यदि एक है तो अकर्म क्रिया है, है? ऐसा करके लोग बोलते स्फुट धातु जो है सकर्म क्रिया नहीं है अकर्म क्रिया है, प्रसिद्ध है ये। इसलिए कौन बोल रहा है, विज्ञानवादी बहुत बोल रहे हैं कि हमारे स्फुरण उसका विषय का आवश्यकता नहीं है, स्फुरण अपने आप स्फुरित होते हैं, एक अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो उसका किसी विषय का आवश्यकता नहीं होती, अकर्म क्रिया है। नहीं स्फुरणम सकर्मकम, देखो थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से, जैसे मधुसूदन सर से वहाँ क्षेत्र सर्व क्षेत्रीय भारत क्षेत्र है तो जड़ है विषय है, इसलिए क्षेत्र को तो आपका द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया, परंतु क्षेत्रज्ञ कभी विषय नहीं हो सकता, क्षेत्रज्ञ कभी विषय मतलब तदविद क्षेत्र जाना कि तम क्षेत्रज्ञ प्रभु ऐसा कहना चाहिए था, परंतु उसको जानने वाले व्यक्ति मतलब कौन तत्ववेत्ता पुरुष क्षेत्र को जो जानते हैं उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहता है, क्षेत्रज्ञ कहता है। तो प्रभु का जब विषय है तो क्षेत्रज्ञ ऐसा बोलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं करते हुए वहाँ पे एक निपात लाया साथ में क्षेत्रज्ञ इति, निपात के साथ जब प्रयोग करते थे उसको प्रथमा भी प्रयोग करना पड़ता है। क्यों ऐसा प्रयोग किया, क्योंकि ये कभी भी विषय नहीं बनता, ये कभी विषय नहीं बनता, क्षेत्र में कभी विषय नहीं बने। तो यहाँ पे वो यहाँ भी कैसा बोल रहा है, ये स्फुरण जो है ये अकर्म क्रिया है, ये विषय का अपेक्षा नहीं करता, स्फुरण अपने आप स्फुरित होता है, इसलिए बोलते हैं नहीं स्फुरणम। जो अकर्म क्रिया है जो क्रिया का आश्रय और क्रिया का विषय एक ही एक ही अधिकरण है, तब जैसे शयन अच्छा जो दौड़ता है वो ये सकर्मक है या अकर्मक है, क्रिया के आश्रय नहीं, वहाँ पे कर्म क्या है वो किसी जगह पे दौड़ में पहुँचता है, उसका फल क्या है किसी दूसरे जगह पे पहुँचना, किसी भी सकर्मक हो जाएगा, दौड़ क्यों रहा है इस जगह पहुँचने के लिए, इस हिसाब से बोलते हैं। यहाँ पे स्फुरण सकर्मकम तस्य सकर्मत्व सकर्मकत्व प्रसिद्धि अभाव है, नहीं ये नौ प्रसार है, नहीं स्फुरणम सकर्मकम कमा कर देना आगे, स्फुरण कोई सकर्म क्रिया नहीं है, क्यों तस्य सकर्म सकर्मत्व प्रसिद्धि अभाव, ठीक है ना, उसका स्फुरण होता है स्फुरण नामक वस्तु वो जो है वो विषय रूप में जो है अभिव्यक्त तो नहीं होता, सकर्मकत्व विषय मिल करके देखें प्रसिद्धि का अभाव है।
वहाँ पे देखो 6, 7, 8, 3 त्रिपुणी है ना, 6 नंबर स्वर्णम स्फूर्तिना अप्रतीयमान विज्ञानम, सॉरी स्फूर्तिना प्रतीयमान विज्ञानम, किसी स्फुरन के साथ अभिव्यक्त होता है जो विज्ञान, स्फुरन के साथ अभिव्यक्त होता है जो विज्ञान, वो विज्ञान जो है स्वयं प्रकाश है, वो विषय का अपेक्षा नहीं रखता। देखो इस विषय में वेदांति भी आत्मा को लेकर के बोलते हैं, प्रतिबोधम विदितम मतम अमृतत्म ही विद्यत आत्मा, प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का ही बोध होता है, उपनिषद का कहे प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का भी बोध होता है। क्यों कैसे, ये घट है ना, ये घट है, ये पेड़ है, ये यहाँ तक बोध है, परंतु इस पेड़ को मैंने जाना, जैसे पेट के अंदर ज्ञातता लाया, कौन लाया, वो बुद्धि को प्रकाश करने वाला साक्षी, उस साक्षी जैसे आपकी आपके अंदर इसकी ज्ञातता, मैंने पेट को जाना, ज्ञातता आई, तुरंत साक्षी का पुरुष प्रकाश हुआ, तुरंत उसका साक्षी अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक वो साक्षी विषय रूप में नहीं आता, साक्षी विषय रूप में नहीं आता, यह भी बोलते हैं नहीं स्फुरणम सकर्मकम तस् सकर्मकत्व प्रसिद्धि अभवत्। स्फुरण मंत्र क्या गया, यहाँ पे स्फुरण शब्द के द्वारा प्रतीयमान विज्ञानम है ना, यहाँ पे प्रतीयमान जो विज्ञान हो तो बुद्धि को लेकर के बोलता है, बुद्धि के पीछे बेचारा पहुँच नहीं पाया, उस बुद्धि को मानते हैं। सकर्मक मतलब स्वविषयकम, विज्ञान जो है विषय के साथ नहीं मिलता, स्वविषयकम तस् मतलब स्फूर्ति प्रतीति विज्ञान से, स्फूर्ति का जो मतलब स्फुरण का जो प्रतीति का संबंधित जो ज्ञान होता है स्फुरण मतलब कोई एक चेतन तत्व है उसका ज्ञान होता है, वो विषयात्मक नहीं है, वो विषयात्मक नहीं। और विज्ञान से स्फूर्ति प्रतीति विज्ञान से, देखिए स्फुरण मतलब विज्ञान का ज्ञान होता है, स्फूर्ति मतलब है स्फुरण मतलब विज्ञान, विज्ञान की प्रतीति हाँ उसका जो ज्ञान उसका, जब तक उनके लिए सिद्धांत का अनुसार आत्मा से दोष है, परंतु विषय के साथ विज्ञान विज्ञान को शुद्ध जानता है, शुद्ध विज्ञान विज्ञान को ही जानता है, वो विषय के साथ नहीं जानते, ये उनके सिद्धांत है। इसलिए कि स्फुरणम सकर्मकम तस् सकर्मकत्व प्रसिद्ध, स्फुरणम न ऊपर से न आ रहा है, न ही स्फुरणम सकर्मकम तस् सकर्मकत्व प्रसिद्धि अभागा, स्फुरण मतलब स्फूर्ति न प्रतीयमान विज्ञानम, सकर्म स्वाभिषय का वो जो विज्ञान विषय के साथ होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्फुरण अपने आप ही अपने को जानता है, विषय के बिना भी स्फुरण अपने आप अपने को जानता है, जो विज्ञान बड़े बहुत का सिद्धांत है। स्फुट धातु जो है सकर्म क्रिया नहीं है, स्फुरण शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु ज्ञान धातु सकर्म क्रिया है, जानना रूपी क्रिया यहाँ पे हो रहा है, अगर विषय अलग है इसका ज्ञान हो रहा है, विषय का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं जानाते स्तु सकर्मकत्व है ना, ज्ञान जो ज्ञान धातु है, ज्ञान धातु से बनता है जानाति, उसका षष्ठी एक वचन कर दिया, धातु निर्देश एक त्रिपोजी वहाँ पे कि करके उसका षष्ठी कर दिया, जानाते है, जानाते है मतलब ज्ञान धातु का तो सकर्मकत्व है, तो विषय के साथ ज्ञान होता है उसका, क्रिया फल कल्पनाया स्वीकृत, क्रिया की फल मतलब वो ज्ञान रूपी क्रिया की फल क्या होगा, मैं इस वस्तु को जाना उसके साथ मिल करके ज्ञान होता है, ये स्वीकार किया गया इति भाव, ये इसका अंदर भाव है। तो स्फुरण स्फुट स्फुट धातु अकर्म होने पर भी मतलब ज्ञान धातु सकर्म क्रिया है ना, तो जानाति बोलते तो वहाँ पे जानाति स्तु सकर्मकत्व क्रिया फल कल्पनाया स्वीकृत में दिखा, वहाँ पे देखिए 9 नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, ननु ज्ञान ज्ञानस्य अकर्मकत्वे तदर्थकस्य ज्ञान धातुरपि, ज्ञानस्य अकर्मकत्वे तदर्थकस्य ज्ञान ज्ञान धातुरपि सकर्मकत्व न स्यात्। यदि ये कहते हो स्फुरण बोल करके तो विज्ञान भी बोलते हो, विज्ञान तो हम सकर्मक है, अज्ञान धातु सकर्मक होने के कारण तुम यहाँ पे जब विज्ञान बोल देता उसको भी तुमको सकर्मक होना चाहिए, अकर्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ननु ज्ञानस्य अकर्म, आप जब इस प्रकार ज्ञान को तुम अकर्म को अकर्मक मानोगे तब व्याकरण त्रिपुर सिद्धांत बिगड़ जाएगा, इसलिए बोलते हैं ज्ञानस्य अकर्म करते तद अर्थ कस्य, ज्ञान अर्थ ज्ञान का बोधक जो धातु है ज्ञान धातु रूपी क्या हो जाएगा सकर्मकत्व न स्यात्, परंतु सकर्मक धातु माना गया है, इसलिए जो कौन ये सकर्म कौन मान है, सकर्मक मानना है बाह्य अस्तित्ववादी और अकर्मक स्फुरण मानना है विज्ञानवादी,
इसलिए घट का ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी क्रिया यहाँ पे हुआ और फल ज्ञात कहाँ पे आया, घट में आई ज्ञात। इसलिए क्रिया फल कल्पनाया स्वीकृतम इति भाव 10 नंबर टिप्पणी में क्रिया फल कल्पनाया इति ज्ञान क्रियाया ज्ञातता रूपम घटादो फल कल्पयित। समझ में आया आपको? ज्ञान रूपी क्रिया कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और फल क्या हुआ, घट ज्ञान कहाँ वहाँ पे है, क्या तो कहाँ घट में आया। इसलिए बोलते हैं ज्ञान क्रियाया ज्ञान क्रिया के द्वारा ज्ञातता रूपम, उसमें जो ज्ञात धर्म आता है वो कहाँ पे आता है, घट को मैंने जाना, पट को मैंने जाना, ज्ञात था रूपम घटा दो फल कल्पित, घटा दी में फल प्रत्यो ऐसा कल्पना करते इति अर्थ, मतलब क्रियाकार को फल कल्पनाया इति अर्थ। तथा च घटादि निष्ठ ज्ञातता रूप फल व्याधिकरण ज्ञान रूप व्यापार वाचकतया जानाते। तो व्याधिकरण होना है मतलब जहाँ पे क्रिया हो रहा है फल का अलग जगह पे होगा, है ना, जानाती क्रिया बुद्धि में हो रहा है और उसका फल क्या हो, घट का ज्ञान, घट का ज्ञान। इसलिए आप बोलते हैं कि तथा च घटादि निष्ठ ज्ञातता रूप फल घट, घटादि ज्ञातता कहाँ पे आया, घट में आया, उसका व्याधिकरण है बुद्धि, है इसलिए घटादि निष्ठ ज्ञातता रूप फल व्याधिकरण ज्ञान रूप व्यापार वाचकता, ज्ञान रूप जो व्यापार हो रहा है उसकी वाचकता जाना, उसको बोध कराता है ज्ञान धातु का जानाते। सकर्म कर्तम स्वीकृतम व्याधिकरण, मतलब मैं क्या बोला, क्रिया की आश्रय क्रिया के विषय जो यदि व्याधिकरण हो तो उसको सकर्म क्रिया बोलते हैं, उसको सकर्म क्रिया बोलते हैं। तो इसी लिहाज में हम क्या हो गया कि ज्ञातता आया घट में और ज्ञान क्रिया कहाँ पे हुई, अपने बुद्धि में, इसलिए दोनों व्याधिकरण है, इसलिए हम सकर्म को तो माना गया है उसको, ये व्याकरण सिद्धांत से बोलना है। तथा च घटादि निष्ठ ज्ञातता रूप फल व्याधिकरण ज्ञान रूप व्यापार वाचक, ज्ञान रूप जो व्यापार हो रहा है जानाति क्रिया का, वो सब वो अन्य जगह पे व्याधिकरण है, वहाँ पे जहाँ पे घट है वहाँ पे व्यापार नहीं है, घट तो जड़ है, व्यापार तो सिद्ध में होगा। इसलिए जानाति सकर्मकत्वम स्वीकृतम, सकर्म क्रिया ऐसा स्वीकार किया गया तथी वो लोक प्रसिद्ध है, ऐसा लोक प्रसिद्ध भी है, ये विज्ञानवादी बौद्ध के वादी पूर्व बाह्य अर्थवादी बोल रहे हैं, ज्ञान धातु का ऐसे ही प्रयोग होता है विषय के साथ सकर्म क्रिया है वो लोक प्रसिद्ध है। वस्तु तस्तु विज्ञानम अकर्मकम एव इति अर्थ, वो बोलते हैं मतलब विज्ञानवादी बौद्ध क्या होते हैं, वस्तु तस्तु मतलब जो विज्ञान को तुम आत्मा बोल रहे हो, मैंने क्या किया, मैं घट को जाना, तो मैं घट को जाना तो हमको क्या लगता है, एक वस्तु एक टिप्पणी का जो बोले वेदांत सिद्धांत को लेकर के बोलते हैं, वेदांत सिद्धांत है कि मैं घट को जाना, मैं अलग, ओ नहीं वो ठीक है, मैं अलग घट अलग, अब ये मैं आपने कहाँ का आरोप किया, बुद्धि को मैं बोल दिया, बुद्धि को आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा में क्रिया नहीं, बोलते हैं वस्तु तत्व विज्ञान जो विज्ञान स्वरूप है अकर्म कम ये वो अकर्म ही है, विज्ञान जो स्वरूप है वो अकर्मक है, बुद्धि में स्वकर्मत्व आता है, बुद्धि में स्वकर्मत्व आता है, इसलिए कर्म इति अर्थ इसका अभिप्रेत अर्थ इसको अलग लिखा, ठीक है। तो ज्ञानादेशु सकर्म कर्तम क्रिया फल कल्पना क्रिया फल कल्पना स्वीकृत है, सभी बातें ने ऐसे ही माना, इसलिए आपको भी ऐसे ही मानना चाहिए जैसा पूर्ववादी बोलते हैं। तब जो है हमारे विज्ञानवादी अपने सिद्धांत को बोलते हैं, चित्तस्य अर्थस्पर्शित्व अभावयापि तद् आभाति, इसलिए चित्त जो है मतलब विज्ञान कभी विषय को स्पर्श नहीं करता, वो अपने अंदर संस्कार रूप में अभिव्यक्त होता है सामने, जब ठीक है जो विषय को स्पर्श नहीं किया तो विषय आभास को स्पर्श करेगा, बाहर विषय नहीं है, स्वप्न में आप जो विषय दिखाई पड़ते हैं वो विषय आभास है और उसका ज्ञान आपको होता है, तो इसीलिए वो ज्ञान वो विषय आभास को जो संस्कार अंदर बैठा हुआ है उसको स्पर्श करेगा। विज्ञान भी अंदर है संस्कार भी अंदर है, विज्ञान भी अंदर है संस्कार भी अंदर है, स्पर्श करेगा दिखेगा बाहर, आभास विषय है स्वप्न, हाँ जो वस्तु दिखाई पड़ता है विषय आभास, आभास एक एक प्रातिभाषिक शब्द है एक व्यवहारिक शब्द है, दोनों अवस्था व्यवहारिक शब्द को भी आत्मस्पर्श नहीं करता और प्रातिभाषिक पर आत्मस्पर्श नहीं करता। विज्ञानवादी बौद्ध को छोड़कर जो बाह्य अस्तित्ववादी है वो बोलते हैं व्यावहारिक अवस्था में बुद्धि जो है विषय को स्पर्श करता है, तभी तो घर को जानता हूँ पट को जानता सब बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं विज्ञानवादी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये सब संस्कार रूप में जन्म अंतर से अंदर बैठा हुआ वही बाहर प्रकृति मानते हैं, आभास बात किया
आभासवाद भी इसमें है, चित हमारा भी वेदांती क्या है, आभासवाद प्रतिबिंब परिच्छेद वाद वो अलग है। यहाँ पे इमीडिएट जो है ये चिताभास ही उसको लेकर के नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे तो विषय आवरण बोल रहे हैं, वो चैतन्य की आभाषण बोल रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं चित्त से अर्थ स्पर्श अभाव या चित्त विषय को स्पर्श नहीं करता, ठीक है, इतना मानने पर भी तद आभास संस्पर्शित चित्त क्या करेगा, विषय आभास को संपर्क से स्पर्श करेगा। यदि हम ऐसा कहे तो यदि आशंक तब थे नर्थाभास तथे वचन, जब विषय की स्पर्श नहीं कर पाया तो विषय की आभास को कैसे स्पर्श करेगा, वहाँ दिखाई देने वाले उसका साथ संस्पर्श तो नहीं होगा। देखो चित्तस्य अर्थ स्पर्शित अभाव है, चित्तस्य अर्थ स्पर्शित 11 नंबर टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब सुंदर समझाए इसको, चित्तस्य इत्यादि दर्पणस्य इव मुख अस्पर्शित्ते अपि प्रतिबिंब स्पर्शित्तम इति चे मतेति भाव। वो पूर्ववादी क्या बोलते हैं, ठीक है दर्पण तो मुख दर्पण अलग दिखाई पड़ता है, दर्पण मुख स्पर्श नहीं करता बल तो प्रतिबिंब को स्पर्श कर लेगा, तो खुद ही सोचते प्रतिबिंब को स्पर्श किया कि नहीं किया, दर्पण प्रतिबिंब को भी स्पर्श नहीं करता, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दर्पण से मुख स्पर्शित अभी मुख अस्पर्शित अभी प्रतिबिंब स्पर्शित, ठीक है प्रतिबिंब को स्पर्श करेगा दर्पण। यदि हम ऐसा कहें तो मतलब क्या हो गया, अभिप्राय क्या जाए सोचो, विषय जो है तो संस्कार जो अंदर गया और विज्ञान भी अंदर है तो इन दोनों संस्पर्श होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे चार अलग अलग अधिकरण बना। विषय संस्कार कहाँ रहता है, चित्त, और निश्चय कौन करता है, बुद्धि, संकल्प विकल्प कौन करता है, मन, और इसका मदद कौन करता है, अहंकार। माने चित्त और बुद्धि का अंदर कौन हायर डिग्री, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि निश्चय, चित्त मन से बड़ा डिग्री, चित्त क्योंकि चित्त मन को ना संस्कार उसे धक्का मारता है, चित्त में जो संस्कार बैठा होता है उनको मन को धक्का मारता है, बुद्धि नहीं धक्का मारता, फिर बुद्धि उसमें मदद कर देता है, बुद्धि उसमें मदद कर देते हैं तो मन काम नहीं कर पाएगा, और यदि बुद्धि मना कर देते तो मन नहीं जा पाएगा, और बुद्धि मदद कर देगा तो मन दौड़ेगा कुछ, और सबको ऊपर अहंकार सभी मदद करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे है बोल रहे हैं कि चित्तस्य अर्थ स्पर्शित अभाव है तथा आभास स्पर्शित तम से इति आशंक नर्थाभास तथे वच, विषय को भी स्पर्श करता है ये मूल में है कारिका में प्रति, तो विषय के आभास को स्पर्श नहीं कर पाता। इस अपनी जो प्रतिज्ञा की इस प्रतिज्ञा स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको यह दृष्टांत और समय देना पड़ेगा, जो बोलते तत्र हेतु मह, इस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु दे रहे हैं, क्या हेतु दे रहे हैं, अभूत ही यथार्थ, क्योंकि कोई वस्तु मतलब विषय पारमार्थिक विद्यमान है ही नहीं, विषय पारमार्थिक विद्यमान अभूत ही यथार्थ, अभूत मतलब पारमार्थिक विज्ञान व्यतिरिक्त असत्य को, विज्ञान भिन्न कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं, आत्मा भिन्न कुछ नहीं, बोलते विज्ञान भिन्न कुछ नहीं है, शब्द भी भाषण के द्वारा में बोला, यदि तुम विज्ञान शब्द के द्वारा असंग शुद्ध चेतन को कहना चाहते हो शब्द भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यदि तुम हमारे आत्मा को ब्रह्म को शून्य शब्द के द्वारा कहना चाहते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके शब्द प्रयोग होता ही नहीं है, शब्द यदि वही तुम्हारी अभिष्ट वस्तु है क्योंकि अभी विषय पारमार्थिक विद्यमान ही नहीं है कि यहाँ पे उसकी पारमार्थिकता दिखाई, अभूत ही अर्थ क्योंकि 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 अर्थ मतलब विषय अभूत मतलब वो पारमार्थिक है ही नहीं, यहाँ पे वो अर्थ में आया हुआ, तो इसीलिए आप बोलते हैं कि ये हो गया हमारा टीकालिका की अर्थ टीकाकार कर दिया, और न अर्थाभास मतलब जब विषय ही पारमार्थिक नहीं है तो विषय की आभास विज्ञान से अलग कैसे होगा, विज्ञानी विषय आभास रूप में स्फुरित होता है, विज्ञान ही इस प्रकार शब्द में मन ही विषय आभास रूप में स्फुरित होता है ऐसा ये मन। अब बोलते हैं प्रथम पादम व्याजस्ते, प्रथम पाद को व्याख्या करते हैं कौन, व्याजस्ते का कर्ता कौन होगा, भाष्यकार, प्रथम पाद व्याजस्ते भगवान भाष्यकार, यस्मान है अभाष्य में नास्ति बाह्यम निमित्तम अतः चित्त न स्पृशति न संस्पृशति अर्थम
बाह्य आलम्बन विषय ठीक है ना, जस्मात मतलब क्योंकि नास्ती ये जब ना पहले क्रिया पद को पहले प्रयोग कर देते हैं ना वो जोर देने के लिए है ही नहीं ऐसा वस्तु नास्ती क्या बाह्य हम निमित्त बाहरी कोई निमित्त है ही नहीं। अतः इसलिए चित्त न संस्पर्शित इसलिए चित्त विषय को स्पर्श ही नहीं करता सम्यक रूप से स्पर्श नहीं करता क्योंकि वो उसके वही अभिव्यक्त होता है। इसलिए अर्थात बाह्य आलम्बन विषम जो बाहरी आलम्बन को विषय करे चित्त ये होना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहरी विषय है ही नहीं बाहरी। यही हमारे सिद्धांत है उनके सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत में थियोरेटिकली एक है परंतु वो बाहरी विषय को बिल्कुल मानता ही नहीं है। विज्ञान पर हमारे विषय गलत ही होता है बाहरी विषय है ज्ञान जब तक नहीं है तब तक बाहरी विषय को मानते हैं है ना। वेदांत जो है मतलब अधारो प्रक्रिया इसीलिए हम अधारो प्रक्रिया को अपनाए अधारो प्रक्रिया का अंतर्तत्व यह होगा कि बाहरी वस्तु है तभी विज्ञान में भिन्नता होना संभव व्यवहार भी सिद्ध होगा। कोई भी दर्शन एक चीज ध्यान रखना पारमार्थिक वस्तु को सिद्ध करते हुए यदि व्यवहार को ठीक से नहीं समझा पाता है तो दर्शन ग्रहणीय नहीं होता। इसलिए मूल को दर्शन तक हो गया वेदांत दर्शन क्यों आगे बढ़ रहा है आप सभी मानते हैं क्योंकि वो पारमार्थिक को स्पष्ट रूप में दिखाते हुए व्यवहारिक मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। व्यवहारिक मर्यादा कोई भी दर्शन यदि वो व्यवहार को ठीक से पुष्ट नहीं कर पाएगा और फिर पारमार्थिक रूप में पारमार्थिक को दिखाते हुए व्यवहार कैसे हो रहा है वो यदि आप ठीक से समझा पाएंगे तब आगे जो है भी भगवान शंकराचार्य नहीं है श्रुति नहीं ऐसा ही कहा। इसलिए बोलते हैं प्रथम पादम व्याचष्टे दशमात नास्ति बाह्यम निमित्तम क्योंकि बाहरी कोई निमित्त नहीं है अतः इसलिए चित्तम न संस्पृशति अर्थम इसलिए चित्त बाहरी विषय को संभव रूप से स्पर्श नहीं करता अर्थम मतलब बाह्य आलम्बन विषय अर्थम अर्थ करते हैं चित्तम न संस्पृशति अर्थम ठीक है ना। मूल में है अर्थम उसका अर्थ क्या करते हैं अर्थ मतलब श्लोक में जो अर्थ है उसका अर्थ है विषय और अर्थ शब्द का कई अर्थ होता है ना अर्थ मतलब मीनिंग अर्थ मीन्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है अर्थ शब्द का जो मीनिंग है दैट इज ऑब्जेक्ट द मीनिंग ऑफ द अर्थ इज ऑब्जेक्ट हियर। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं बाह्य आलम्बन विषय बाहरी आलम्बन या बाहरी वस्तु आलम्बन विषय में खारिज कर तो अर्थ शब्द द्वारा कहा गया ठीक है हम बाहर विषय नहीं है परंतु विषय की आभास तो बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है उसके साथ बुद्धि का संबंध हो जाएगा। बोलते नहीं नहीं वो भी व्याधिकरण है एक चित्त अनेक का आधार चित्त है एक का आधार बुद्धि है। इसी बोलेंगे अलग अलग करके चार डब्बा रखा है क्या नहीं चार अलग अलग डब्बा भी नहीं है वो एक ही अंतर करके फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू उसका अलग अलग हो जाए ना भी अर्थाभाषण ना भी देखिए टीकाकार क्या लिख रहा है ठीक है परिभाषा ना भी अर्थाभाषण चित्तत्व शब्द चित्तत्व चित्त आभा अर्थाभाष भी उसको स्पर्श नहीं करता है ना कि वहाँ भी चित्त तो धर्म बैठा हुआ है स्वप्न चित्त व जिसमें स्वप्न में जब चित्त रहता है परंतु जब स्वप्न में जो मन रहता है गौतम बुद्धि उसके साथ बिहारी विषय का संस्पर्श नहीं होता। इस अनुमान को टीकाकार बोलेंगे और इसके लिए हेतु क्या दिया अभूत ही जागृत अभी ठीक उसी प्रकार जागृत काल में ही स्वप्नार्थवाद एवं स्वप्न विषय के समान ही बाह्य शब्दादि अर्थ है ना क्योंकि बाहरी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पान विषय है जत क्योंकि वो भी ऐसे ही स्वप्नवत है मतलब जागृत भी एक स्वप्न ही है जागृत भी एक स्वप्न ही है। तो हमारे यहाँ पे मानुकार का पहले बोल के रहा था क्या बोला था अन्यथा वृद्धा स्वप्न निद्रा तत्तम अजान तत्व को नहीं जानना हो गया निद्रा और निद्रा भी हम स्वप्न देखते हैं नहीं जानने के कारण यह वस्तु अन्नता रूप में ग्रहण होता है अन्न रूप से ग्रहण होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अभूत भी मतलब विषय नहीं है वहाँ पे जागरित भी स्वप्न को दृष्टांत बनाया स्वप्न को दृष्टांत बनाया जागरण को पक्ष बनाया जागृत काल में विषय नहीं है जैसे स्वप्न काल में विषय नहीं है इसलिए जागरित स्वप्न का देव बाह्य शब्दादि अर्थ बाहर शब्दादि अर्थ अभूत कारण भी हमें क्यों उक्त हेतु उक्त हेतु तत्व जो हेतु ने क्या कह दिया कि बाहरी आलम्बन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विज्ञान कभी भी जो है बाहरी विषय को स्पर्श नहीं करता
विज्ञान सतत में रहता है, इसीलिए उक्त हेतु उक्त हेतु जिसका हेतु कथन कर दिया। और अभूत दर्शन और भूत दर्शन, अभूत दर्शन में विज्ञान आलम्बन है और भूत दर्शन में विज्ञान आलम्बन का दशा आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। उक्त हेतु तत्व आदि उस प्रकार होने के कारण इति अर्थ इसका भी करते हैं। अच्छा आगे बोलते हैं, नापि अर्थ भाषा चित्ता पृथक चित्तम एव हि घटाति अर्थवत् अवभाषते। नापि अर्थाभास, जो चित्त अर्थ के विषय के आभास को भी स्पर्श नहीं करता। नापि अर्थाभास चित्त पृथक, चित्त से पृथक नहीं है, चित्त ही विषय रूप में भी स्फुरित होते हैं, विषय के आभास रूप में भी उनसे स्फुरित हो रहा है, चित्त ही हो रहा है ना। तो यहाँ भी बोलते हैं नापि अर्थाभास चित्त पृथक, चित्त से पृथक नहीं है, चित्तम एव हि, देखिए ये जो है ये ही शब्द चित्त, चित्त ही वही घटादि अर्थ व घटादि विषय वाला जैसा अवभाषते, चित्त ही घटादि विषय जैसा अभिव्यक्त होता है, अभी अवभाषित होता है, अवभाषते यथा स्वप्न, जिस प्रकार स्वप्न में होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे टीका में आ गए, देखिए प्रथम एक टीका का एक अनुमान करते हैं, विमतम चित्तम अर्थाभाषमपि न संस्पृशति चित्तत्वात् संप्रतिबन्धवत् इति द्वितीय वादं विभजते। विमतस्पित जो चित्त है, चित्त को लेकर विवाद है, ठीक है ना, कि चित्त विषय को अपेक्षा रखता है कि नहीं रखता, तो बोलते हैं ये विवादास्पद जो चित्त है अर्थाभाषमपि न संस्पृशति, वो विषय को भी स्पर्श नहीं करता, विषय के आभास को भी स्पर्श नहीं करता, है ना, विषय को भी स्पर्श नहीं करता, विषय के आभास को भी स्पर्श नहीं करता। जाग्रत काल में चित्त विषय को स्पर्श नहीं किया तो स्वप्न काल में चित्त विषय को स्पर्श चित्त अर्थ को भी स्पर्श नहीं करता, अर्थ आभास को भी स्पर्श नहीं करता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि बाहरी चीज विषय है ही नहीं, है ना, और चित्त ही विषय रूप में और विषय के आभास रूप में चित्त ही स्फुरित होते हैं, चित्त ही अभिव्यक्त होते हैं। अच्छा बारह नंबर टिप्पणी, अर्थाभास मत स्व अतिरिक्त अर्थाभास है ना, विमतम चित्तम सातिरिक्त अर्थाभास न सम्भव, चित्त ही जो है अर्थ नहीं है ये नहीं बोल रहे, वो क्या चित्त ही अर्थ रूप में स्फुरित हो रहा है, विषय रूप में स्फुरित हो रहा है, इसलिए बोलता है चित्र अर्थाभाषण अपनी न स्पृशति। बारह नंबर टिप्पणी, अर्थाभाषण मतलब स्व अतिरिक्त अर्थाभाषण इति अर्थ, अपने से भिन्न करके कोई विषय को स्पर्श नहीं करता। नापि जो है यहाँ पे नापि अर्थाभाषा अर्थाभाषा चित्त पृथक भाष्य में नापि अर्थाभाषा चित्त पृथक एव स्वप्न में तस्य अर्थाभास, स्वप्न में विषय क्या है, प्रातिभाषिक है, मन का मन उस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, उस मन का विषय के साथ संबंध होता है क्या, नहीं, वो तो मन ही विषय रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है और मन ही उसको देखता भी है, इसीलिए बोलते हैं नहीं दृष्टांते तस्य अर्थाभास स्पर्शम, दृष्टांतों में भी विज्ञान अर्थाभास को स्पर्श नहीं करता, क्यों, तस्यैव विज्ञानस्य तदात्मना मतलब विषय आत्मना, तस्य एव तदात्मना मतलब विज्ञानस्य एव विषयात्मना,
विज्ञानी विषय के ऊपर इम्पैक्ट करता है तदात्मना भाना कृष्ण में भानने के कारण प्रतीति होने के कारण तस्य एव तदात्मना भाना ठीक है ना जिसके तो क्या हो गया मैंने तस्य में विज्ञानस्य एव विज्ञानात्मना भावान वो क्या हुआ तद अभावे तद अभाना मतलब यदि विज्ञान है तो विषय भान नहीं होना तो बोलते हैं कि विज्ञानी विषय रूप में प्रकाशित होता है इसीलिए बोलते हैं नहीं दृष्टांत तस्य अर्थाभास स्पर्शितम कस्मात् तस्य एव तदात्मना भाना इति अर्थ ये हो गया दूसरा पाद की अर्थ हो गया तृतीय पाद में व्याप्त तृतीय पाद क्या है इस प्रतिज्ञा के लिए हेतु है क्योंकि है अभी तो विषय है ही तृतीय पाद में व्याप्त करते अभूत ही जागृत अभूत ही जागृत अर्थ वाले व बाह्य शब्दादि अर्थ जत उठ हेतु का जागृत काल में भी है ना स्वप्न स्वप्नार्थवत एवं मतलब विषय जो स्वप्न के समान है बाह्य शब्दादि बाह्य शब्दादि अर्थ एक विषय देखना है जत क्योंकि ऐसे स्थिति उक्त हेतु का इस प्रकार समय किंतु विषय के बिना भी संस्कार से विषय उस समय दिखाई पड़ता है जिसका हेतु कह दिया क्योंकि आपने यथार्थ दर्शन ने अयथार्थ दर्शन विवादास्पद विषय कौन बोल रहे हैं विज्ञान वाली वो मन कर रहे हैं विवादास्पद विषय सन न भवती पारमार्थिक अस्तित्व वाला नहीं होता सत मतलब अष्टाधातु का पार्टिसिपल है टू बी अर्थ में आता है तो प्रथम एक वचन है तो सन्न मैस्कुलिन में तो मतलब क्या हो गया सन्न भवति वो विद्यमान वाला वस्तु नहीं होता है क्यों विषय होने के कारण विषय के कारण संप्रति बन्नव जहाँ पे तुम्हारा मान होता वहाँ पे देख लो मैंने भ्रांति स्थान में जैसा विषय नहीं होता इसलिए आप विमत अर्थ विवादास्पद विषय पहले कह रहे थे विमतम चित्तम है ना मतलब विषय आभास को नहीं करके विवादास्पद जो विषय है ना वो पारमार्थिक बाहर नहीं है परमार्थ न अभव संभवती क्यों अर्थत्वात् वो विषय होने के कारण है ना जो हमारे पास जो है इसीलिए जो जड़ वस्तु होता है जो विषय होता है तो परिणामी होता है विकारी होता है हम बोलते हैं मिथ्या है मिथ्या मतलब क्या है कि प्रतीति होती है मतलब पारमार्थिक नहीं है और ये क्या बोलते हैं भैर अनुमान के बल पे विज्ञान किसी आलम्बन की अपेक्षा नहीं रखता अपने संस्कार से हमारे विषय को उत्पन्न करके देखता रहता है अब तो आपके ईश्वर होना पड़ेगा ईश्वर जो है सृष्टि से पहले उनका मान आदि कुछ नहीं है परंतु अपने संकल्प से अपने विषय को पूर्व कर विषय को देखता है विमत अर्थ न भवति अर्थ पा संप्रति पंडवत इति उभय दृष्टांत मतलब कोई दृष्टांत नहीं है जहां पर तुम पाचार्य इति अनुमान इस प्रकार अनुमान के बल से क्या सिद्ध किया कि विवादास्पद विषय पारमार्थिक नहीं होता अभी तक क्या चल रहा था एक बार भी बोलते हैं बाहर विषय है एक बार क्या बोलते हैं बाहर विषय नहीं है अब अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया क्या सिद्ध किया बाहरी विषय नहीं है क्योंकि विज्ञान उसका अवलंबन नहीं देता विज्ञान किसका अवलंबन से प्रकाशित नहीं होता विमत अर्थ संभवती अर्थ क्योंकि उसने क्या बोला था बाहरी विषय है क्योंकि अलग विज्ञान उसका अवलंबन करता है ना ज्ञान घटपट अवलंबन करता है इसलिए बाहरी विषय है घटपट उसको स्पर्श विज्ञान घटपट को स्पर्श भी नहीं करता अवलंबन क्या करेगा अनुमान न ज्ञान आलम्बन ज्ञान आलम्बन वाला नहीं होता नंबर 30 अनुमान अनुमान सिद्धांत असत्वात् इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ विवादास्पद अर्थ वो अविद्यमान है असत्वात् न ज्ञान आलम्बन लिखा हो जाएगा जो बाहरी विषय है ज्ञान उसका आलम्बन से अभिव्यक्त नहीं होता बंधा सुतादिवत स्थान असत वस्तु के समान ऐसा बंधा पुत्र का ज्ञान नहीं होता हम बोलते हैं परंतु क्या आपकी बुद्धि बंधा पुत्र को स्पर्श करता है शब्द प्रयोग करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं ज्ञान आलोकन बंधा शुद्धादिपाद अनुमान सिद्ध इस अनुमान से सिद्ध होता है अनुमान सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ विज्ञान असत है असत्वात् अर्थ सॉरी विज्ञान नहीं है विषय विषय असत होने के कारण यदि अनुमान सिद्धांत असत्वात् न ज्ञान से आलम्बन जब विषय बाहर नहीं है इसलिए ज्ञान कोई विषय को आलम्बन नहीं करता इस प्रकार बद्धा पुत्र ठीक है ना हम शब्दों प्रयोग तो करते हैं
पुत्रों कोई वस्तु पारमार्थिक होता ही नहीं है, पारमार्थिक होता ही नहीं तो विकल्प आलोकन कैसे करेगा? आलोकन इसलिए ठीक इसी प्रकार सारा विषय बंधा पुत्र अथवा आकाश के सुख समान है, इसके अंदर भाव छुपा हुआ है। अब और देखो अनुमान है विमत अर्थ स्व विषय ज्ञान जनक न भवती भ्रांति विषय संप्रति भक्त अनुमान स्मारती। ये विवादास्पद विषय है ना, वो है कौन जो सामने विषय दिखाई दे, वो जो है विवादास्पद विषय स्व विषय ज्ञान जनक अपने विषय संबंधित ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते, स्व विषय ज्ञान जनक न भवती क्यों भ्रांति विषय वो भ्रांति का विषय होने कारण। इसलिए देखो पहले बोल कर आया कि जो देहदान उपनिषद में क्या बोलते हैं न दत्त रथान रथ योगान पंथान अथ रथ रथ पदस्यति जो अभावश्च रथादीनां श्रूयते नय पूर्वक, वहाँ पे जो अभाव शब्द रथादीनां चकार के तरह रथादि के ज्ञान अभावश्च रथादीनां श्रूयते नय पूर्वक शब्द में क्या है रथ का अभाव है, परंतु रथ का जो अभाव है रथ ज्ञान का भी अभाव है, मतलब वहाँ है नहीं। इसी प्रकार बाहरी वस्तु जब नहीं है तो बाहरी वस्तु का ज्ञान भी नहीं है, है नहीं इसको तो कल्पना कर लेते विमत अर्थ स्व विषय ज्ञान जनक बाहरी विषय सब विषय ज्ञान की जनक उत्पन्न नहीं हो सकता ना भगवती जी भ्रांति विषय भ्रांति का विषय होने के कारण संप्रति बंधवत जहाँ पे आपका ठीक लगे देख लो आपको स्वप्न हो अथवा भ्रांति स्थल हो अथवा असत वस्तु को लेकर के यदि उत्तम अनुमान के अनुमान के पहले कह करके आए थे उसको तो वहाँ पे ये समझाया था कहाँ पे वो अभाव खाली ना सूर्य न्याय पूर्वक जो होता है उक्त हेतु जो हेतु हमने पहले था 14 नंबर टिप्पणी ननु प्रतियमानत्वात् असत्तम असिद्धम इति आशंका। हमारे क्या आशंका करने वाले बोलते हैं हमें ज्ञान बाहर विषय दिखाई पड़ता है प्रतियमानत्वात् असत्तम असिद्धम मतलब बाहरी वस्तु नहीं है ये सिद्ध नहीं होता क्यों प्रतियमानत्वात् विषय असत् इति असिद्धम अस्मा प्रतियमानत्वात् ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं प्रतियमानता असत्तम असिद्धम विषय असत है ये सिद्ध नहीं होता कि प्रतीति होने के कारण यदि आशंक तत्र अनुमानंतर इस विषय में एक अनुमान और दे दिया क्या विमत्व अर्थ स्व विषय का ज्ञान जनक न भवती विवादास्पद विषय अपने ज्ञान विषय को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है न भवती क्यों भ्रांति विषय अथवा भ्रांति विषय होने के कारण संप्रति बनवा जहाँ पे आपकी मान्यता है वहाँ पे देख लो भगवत दृष्टान्त और स्वप्न दृष्टान्त भ्रांति वस्तु अथवा असत वस्तु की उक्त अनुमान स्मारयती। फिर आगे बोलते हैं उक्त अर्थत्वात् अर्थ जन्यत्व अभावे मतलब ज्ञान जो है विषय जन्य नहीं होता अर्थ मतलब विषय जन्यत्व अभावे विज्ञानस्य विज्ञान मतलब ज्ञान विषय जन्य नहीं होते हुए भी अर्थ आभास जन्यत्व से अर्थ आभास से अभिव्यक्त हो जाएगा यदि आशंक ऐसा जो शंका करते हैं उसको उत्तर में चतुर्थ पाद बोलते हैं चतुर्थ पाद अर्थम ना भी अर्थाभास चित्त पृथक वो अर्थाभास जो दिखाई दे रहा है ना वो चित्त से पृथक वस्तु नहीं है चित्त ही उसी रूप में मतलब विषय और विषय आभास विषय और विषय आभास दोनों ही चित्त की अभिव्यक्ति है ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि इसीलिए और भी लगे हमें ना भी अर्थाभास मतलब यथा अर्थ तथा अर्थाभास है ना जैसे अर्थ भी पारमार्थिक नहीं उसी प्रकार अर्थ आभास भी पारमार्थिक नहीं है अर्थ जन्य तो अभाव मतलब विज्ञान से विज्ञान विषय से जन्म नहीं होता और अर्थ आभास जन्यतम अर्थ आभास से उत्पन्न हो जाएगा अभिव्यक्त होगा यदि आशंक ऐसा शंका करते हैं तो चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद के अर्थ को कहते हैं ना भी अर्थाभास चित्रापित चित्त में वही घटाधि अर्थवत अवभाषते स्वप्नवत दृष्टांत क्या दिया भ्रांति विषयत्तम अभ्युपगच्छता अर्थाभास अभ्युपगत है ना। भ्रांति विषय को मान्यता देने पर तब तो तुमने अर्थाभास को मान्यता दिया भ्रांति स्थल में अर्थ का विषय आभास होता है और भ्रांति को विषय करते हो तो भ्रांति को विषय करता है जो भ्रांति को थोड़ी विषय करते हैं सर्प को थे हम तो बोला वहां पे सर्प है मतलब हमको क्या लगता है हम सर्प को ज्ञान हो रहे हैं तो हमें सर्प को ज्ञान थोड़ी होती है मतलब बैठा हुआ है पूर्ण नहीं होता है। भ्रांति विषयत्व अभ्युपगच्छता
भ्रांति को विषय करता है इस प्रकार मानने वाले आपके द्वारा अर्थाभास अर्थाभास को आपने मानना कर दिया एव स एव तही उक्त अर्थापत्य इसीलिए अर्थाभाषी पूर्व अर्थापत्ति क्या दिया था अर्थाभाषण बिना ज्ञान वही चिंतन अनुभव करना अथवा अर्थाभाषण बिना संकृष्ट अनुभव करना अर्थाभाष को मान लेंगे अरे मुखानंद जब अर्थ ही नहीं सिद्ध हो रहा तो अर्थाभाष कहाँ सिद्ध होगा सिद्ध हो जाएगा अस्तु जितना नेता कहते ज्ञान ज्ञान का कोई ज्ञान को उत्पादक हो जाएगा यदि आशंक अर्थ जन्नत अभावे उसके लिए होता है अर्थ जन्नत अभावे विज्ञान अर्थ आभास जन्नत शब्द विद्या से शंका करते हैं तो वो तो अर्थ आभास भी नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्न में प्रातिभाषिक वस्तु विषय आभास होता है परंतु विज्ञान के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता विज्ञान तो अपने मन के साथ इनका संबंध नहीं होता इसलिए होता है ना भी अर्थाभास चेतना पृथक पृथक चिंतन एक वही वास्तवी का और वैभाषिक का शास्त्र हमको रखना पड़ेगा समय हो गया और जो है लंबा समय भी ज्ञात होगा तब तक तो सब भूल जाएंगे चलो आज का जारी है कल अष्टमी है कल सूर्य अष्टमी कल अष्टमी कर रखते हैं हमारे लिए भी थोड़ा सुविधा हो जाएगा थोड़ा कुछ भी कुछ काम क्या हुआ ये जो हमारे भाड़े आंटी लिए ना नहीं समझ में भाड़े आंटी लिए कुछ भाड़े संस्करण पुस्तक छप रहे मोड़ दो उसको मदद जल्दी करके ठीक करके भेजना पड़ेगा उसको इसलिए हम कल करके छुट्टा हमारे लिए थोड़ा ठीक है वो आज कब तक तो भी ईश्वर इच्छा तक जनवरी तक तो हो ही जाएगा जनवरी तक आ जाओ क्या Thank you.
ओम नमो नारायण।